ਵੱਡਾ ਟੀਕਾ ਫੋਰ ਯੂ। अच्छा अभी जो है ना मैं बाइक की सीट खोलने लगा हूँ, इसके नीचे जो सेटअप है ना सारा वो देखते हैं, इसकी टेल वगैरह खोलते हैं, इसके ये जो कैरियर टाइप है इसको उतारते हैं। ये टेढ़ा है और इस वजह से सीट में गैप भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरा लगता है। और फिर देखेंगे नीचे वाला मड गार्ड जो है ना इसका क्या सिस्टम है, तो इसको भी हम रिमूव करेंगे। और अभी देखें बाइक बड़ा रफ हो गया, यहाँ पेट्रोल वगैरह गिरा, पेंट सारा निकल गया, टैंक पैड गायब हो गया है। और इस टाइम जो है ना बाइक एक बहुत ही बुरी हालत में है, तो इसको हमने फिक्स करना है आस्ते आस्ते इंशाल्लाह। और अभी बस एक लास्ट टाइम ना इसके कार्बोरेटर इसको हमने सिंक करना है, तो वो जब सॉल्व हो गया ना इशू तो फिर मैं इसकी बॉडी पे काम करूँगा, क्योंकि अभी ना बार बार ये जब खुलने वाला काम है ना, तो बाइक खुलता रहेगा तो फिर तबाही है। ठीक है, जो भी मैं ऊपर पेंट करता हूँ कुछ भी करता हूँ उसकी तबाही है। और ये छोटी मशीन नहीं है, अच्छी खासी बड़ी मशीन है, तो इसका जो इसकी मुझे समझ आ गई है कि जो मैंने पेंट शेंट किया था जहाँ जहाँ किया था सारा उतर गया। सही है, स्प्रे पेंट जो हम छोटे बाइक पर करते हैं वो बड़ा अच्छा खासा चल जाता है, बट दिस इज़ नॉट दैट। खैर इसको करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, सीट खोलें तो कुछ ये हालात नज़र आते हैं आपको। ये मैंने उतार दिया है, ठीक है। इसका ये सीन हुआ था जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, पीछे से जब बाइक वाले ने मारा तो ये चीज़ जो है ना क्रैक हो गई, देखें टेढ़ी होगी और क्रैक होगी, अच्छा खासा इम्पैक्ट है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसको देखते हैं, इसको फिक्स करवाएंगे। फिलहाल मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है भाई साहब, स्टैंड पे लगाते हुए ये ना हो ना तो बंदा नहीं ग्रैब कर सकता। तो इसका कोई अल्टरनेटिव देख लेंगे या समथिंग, यू नो, हेल्प, जो जिससे हेल्प हो बाइक स्टैंड लगाने में। और अभी ये वायर्स वगैरह देख सकते हैं, और ये पीछे गन देख रहे हैं आप दबा के, ये क्या है? ओह नाइस, इसका हॉर्न है, एक हॉर्न लगा हुआ है। अच्छा हाँ, एक लगा हुआ है और एक इधर रखा हुआ है। वाओ, पीछे तबाही में जा रहा होगा खड़ 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 कर। ये भी ठीक है, तो ये उठा के साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे इसकी बैटरी है जो कि इस टाइम फूल चुकी है, फुल जो है ना गोलगप्पा बन चुकी है, इसको भी हमने रिप्लेस करना है। लेकिन उससे पहले हमने इसका रेक्टिफायर, यहाँ पर रेक्टिफायर है इसका, इसका मसला हल करना है, क्योंकि रेक्टिफायर की वजह से ना जो ओवर चार्ज कर रहा है, जो भी कर रहा है वो बैटरी को तबाह कर रहा है। ठीक है, इससे पहले ये ब्लास्ट हो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो फ्यूज़ बॉक्स है ये हमने चेंज किया था, ठीक है, पहले बहुत ही ख़राब सा लगा हुआ था तो उसको हमने हटा दिया था। बाकी यहाँ पे ये रिजर्वायर भी है, इसको भी साफ साफ करना, इसकी थोड़ी ना सफाई की ज़रूरत है। और ये आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है, चेसी है, इसकी तबाही है। ये खोलते हैं इसके कवर, ठीक है, ताकि खुद खोलूं तो समझ आए कि यार क्या चीज़ है। नीचे मड गार्ड भी देखते हैं तो फिर समझ आएगी यार इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि ऐसे तो एक्सपीरियंस नहीं होता किसी से क्या चेक करवाना, खुद जब कर सकते हैं तो वो देखते हैं क्या सी। और वो जो नक्का है ना इसका, ये अंदर लगा हुआ ही नहीं था, ठीक है, बॉडी एवं लटक रही है। और यहाँ से, और यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है भाई साहब, ये खाम खा लगा हुआ है। इस साइड वाला ठीक है, इस साइड पर भी, ये भी बस अल्लाह के हवाले ही चल रहा है। और इस साइड पे लॉक है जी, लॉक ख़राब है, बट ये जो वायर है ना बड़ी काम की, यहाँ से हाथ डाल के बंदा खोल लेता है सीट को, तो उसको खोलते हैं। भाई साहब ये लें जी, ये इसकी टेल पूरी उतर आई है, और इसके अंदर के हालात आप देखें तो सारे कदीमा लग रहा है, 2004 के बाद अब खुल रहा है शायद। और ये देखें, ये निकली नीचे से बॉडी, और ये जो लाइट है ना, ये टोटल GS150 स्टाइल की। अब ये मुझे नहीं पता कि इसकी ओरिजिनल है, ओरिजिनल हो तो नहीं सकती वैसे। खैर इसको यहाँ रखते हैं, शेप मज़े की है बट कंडीशन की बात है। इसका लॉक है जो ऑलरेडी ख़राब है, और ये लाइट्स की वायर्स वगैरह है, ठीक है, यहाँ की वायरिंग ठीक है, बस इसको सफाई की ज़रूरत है। और ये लाइट जो है हमने चेंज करनी है। जब मड गार्ड देखें तो इसकी यहाँ पर फिटिंग बनी हुई है, बट इसको अगर हम कट भी करते हैं ना तो यहाँ से करना पड़ेगा, या इसकी न्यू फिटिंग बनानी पड़ेगी ताकि ये चीज़ रहे, ये सिर्फ गायब हो जाए। काफ़ी बड़ा सा है ये, लेट्स सी। अच्छा तो बॉयज, रात को आपने देखा जो भी एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा था वो मैं लगा हुआ था वैसे खाम खाम में, मैं उसको खोल रहा था, मैंने कहा साफ साफ करें इसको, देखें क्या सिचुएशन है। तो वो खोलते खोलते ना मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ भी आने लग गए कि यार इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मेरे माइंड में आया कि कैफे रेसर स्टाइल की जो सीट होती है ना, बस जस्ट वो बनवा लेते हैं, ठीक है, इजी होगा, ज़्यादा खप नहीं होगी। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि वो चीज़ मुझे अट्रैक्ट नहीं करती,
पता नहीं क्यों, मतलब कैफे रेसर जो स्टाइल है ना वो मुझे नहीं इतना पसंद आता कि यार मैं कह दूँ कि मैं कहूँ कि यार मैं वो बाइक रेगुलर बेसिस पे चला हूँ मॉडिफाई करके, ठीक है। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहा हूँ। ये आइडिया मेरे पास पहले भी आया था और अभी भी है, और कुछ पिक्चर्स भी मेरे पास सेव हैं इस तरह की। मैं इसकी टेल बनवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, और टेल बनवाने के लिए जो है थोड़ा सा खपत होगी, फ्रेम श्रेम शायद मॉडिफाई करना पड़े, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ना डिफरेंट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पोर्टी टाइप जो है ना टेल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं, R6 की टेल आ सकती है, CBR की टेल आ सकती है, जिक्सर वगैरह। तो उसमें अब देखना पड़ेगा कौन सी हम बनवा सकते हैं और कौन सी हमें बनवानी चाहिए। तो पेंट वगैरह बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमने इसको शेप देनी है, ठीक है। उस शेप को मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या चाह रहा हूँ। अच्छा जी, इसकी ओरिजिनल टेल मैंने खोल के रख दी है, सही है, सही जो है ना मोटी सी है। इसी तरह की एक और CBR की पुराने मॉडल की, 2003 मॉडल की भी बन सकती है, लेकिन बात वही आ जाती है कि ये काफ़ी ना बड़ी बड़ी सी हैं और काफ़ी बहुत बड़ा डिज़ाइन है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट आए हैं हमारे पास और बहुत सारा सामान अवेलेबल है। विजिट करें लिमिटलेस ऑटो पार्ट्स। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जी, GS 500 फुल नेकेड। अभी जो ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ना, कुछ ये ही बन सकता है अगर सीट जो है ना वो दूसरी वाली बनवा लें हम, सही है, कैफे रेसर स्टाइल की। तो वो जो चीज़ है ना वो मैं चाह नहीं रहा हूँ, ठीक है। और ये इसका रेक्टिफायर है, जिधर कॉल लगा होता है ना उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं जो चाह रहा हूँ ना वो है जी थोड़ा सा इसको लिफ्ट करने वाला सीन, ठीक है। आगे से हम बाइक को करेंगे ड्रॉप, पीछे से करेंगे लिफ्ट, जैसे YBR को नहीं करते थे, बिल्कुल वही चीज़ लेकिन स्पोर्टी स्टाइल में, कि पीछे टेल होगी कोई R6 की। या देखिए ना ये चीज़ बड़े मज़े की लगती है, यूँ उठी हुई उठी हुई, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सीट होगी स्पोर्टी वाली और एक यहाँ पे टेल होगी, ठीक है। तो डिज़ाइन बहुत मज़े का बन सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी फ्रेम में शायद मॉड करना पड़े हमें, और कुछ नया ही वक्रा ही बना देंगे हम, ठीक है। कैफे रेसर भी होगा आगे से, कैफे रेसर होगा, बॉबर होगा पीछे से, जो है ना फुल जो है ना स्पोर्ट्स स्टाइल का होगा, चस आ जाएगी। फ्रेम को थोड़ा सा हमें कट करके उठाना पड़ेगा, ठीक है, और बन तो सकता है, बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या खोना पड़ेगा और क्या क्या हमें जो है ना इसमें चेंजेस लानी पड़ेंगी, तो वो देखने वाली हैं, वो देखते हैं। खैर आपको मैं और आगे चीज़ें बताता हूँ। अच्छा जी, तो ये होगी कि टेल को हम क्या कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए हमें फ्रेम मॉडिफाई करना पड़ेगा, और सिर्फ जब टेल बन के आएगी वो जस्ट टेल ही होगी, उसको पेंट करवाना, उसकी सीट बनवाना, उसकी टेल लाइट बनवाना, उसका फ्रेम बनवाना, ये चार काम हमें करने पड़ेंगे, जो कि लेंथी भी हो सकते हैं एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे आराम आराम से, ठीक है। जो चीज़ बन रही है वो बनवाएंगे, नहीं बन रही होगी जोरस भाई नहीं करेंगे, ईजी लेके जाएंगे। अभी जो इसका काम हमने करवाना है वो कार्बोरेटर्स का है, कार्बोरेटर्स के सिंक करने और कुछ मिसिंग के मसले सॉल्व करने हैं इसके। तो वो अभी मैकेनिक साहब आते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या करना है। हमें गेज चाहिए, जो कार्बोरेटर को सिंक करते हैं ना वो गेज होती है, वो गेज चाहिए दो हमें। तो हमें गेज चाहिए, वो गेज अभी पकड़ते हैं इधर से और बाइक को खोल खाल के रख देंगे, इधर ऊपर चढ़ाते हैं इसको आज, तो इसको ना प्रॉपर मॉडिफिकेशन इसकी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, लंबा नहीं करना हमने इसको, जल्दी जल्दी मुकाना है, क्योंकि एंजॉय भी तो करना है ना भाई। तो अभी जो स्क्रैम्बलर वाली लुक दे रहा है ना, ये बड़े मज़े की दे रहा है, लेकिन ना ये लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं पसंद, बस अभी अच्छी लग रही है ना, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं पसंद। सर जी, हम टेस्ट करने लगे हैं कार्बोरेटर्स को सिंक करने का सीन, के कैसे सिंक होते हैं, क्या सीन है, थोड़ी वीडियोस वगैरह देख रहे थे हम, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है और आपको भी बताते हैं, खुद भी देखते हैं, तो फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है बाइक में। ये लें जी, कार्बोरेटर को हमने खोल खाल के रख दिया है और अब इसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। इसके हमने बटरफ्लाई चेक करनी है इनकी, कि यार क्या मसला आ रहा है, बटरफ्लाई का नहीं आ रहा, क्योंकि ना बाइक हायर RPM में मिसिंग कर रहा है, लोअर RPM पे ठीक जा रहा है, बिल्कुल A1 जा रहा है, सिलेंडर्स भी दोनों चल रहे हैं, और बाइक बाहर खड़ा, बारिश हो रही है, तो हमने कहा अंदर जाके इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। बोल भाई क्या रोला है। अच्छा जी, ये वाला जेट जो है ये खोलते ही गिर गया था, और यहाँ मैजिक लगी हुई है, वाह पूरा स्क्रू होता है, वो खोलने भी गिर गया। ये जी डायफ्राम इसका दबा हुआ था, ये देख सकते हैं आप, कार्बोरेटर में ना इसको घुसा हुआ था, ठीक है, और डायफ्राम, और ये एक बंदा आया हुआ इधर, लोडर रक्षा चलाता है ये। वेगो यार, ये तो आप फिर बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। अभी तुमने खुद ही कहा है लोडर रक्षा तो है ना,
नहीं जी, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई हैवी वाली और हमने जीएस को कवर कर दिया है। थोड़ी बारिश हल्की हो तो इसको यहाँ से ऊपर चढ़ाते हैं, थोड़ा जोर आजमाई होगी लेकिन सेफ होगा। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, बैक टू वर्क, और कार्बोरेटर साहुल भाई ने लगा दिए हैं और इनको ना सिंक कर दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे वीडियो जो अटैच किया ना उसमें जो उनका मसला था ना, एक कार्बोरेटर में जो वो जो बटरफ्लाई थी उसमें आपको गैप नज़र आ रहा था, वो गैप ख़त्म करना था बेसिकली, और दोनों को सिंक्रोनाइज करना था, दोनों को बेसिकली सिंक्रोनाइज करना था, और वो इशू था जिसको हमने रिजॉल्व करना था। और वो अभी हवल भाई कह रहे हैं कि हो गया क्योंकि मैं अभी पहुँचा हूँ। तो अभी जब बाइक स्टार्ट स्टार्ट होगा फिर देखेंगे। वैक्यूम वाले हमने इनके जो है ना वो बंद करने हैं और बाकी चीज़ें जो है ना देखते हैं। ये जब सेट होता है फिर आपको अगली कहानी में बताता हूँ कि क्या सीन है इसका। जो मोनोशॉक है ना, मोनोशॉक इज़ ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, इतनी गंदी कंडीशन में मैंने आज तक मोनोशॉक नहीं देखा। खैर, इसको जब पूरा खोलेंगे, इसको खोल खाल के साफ़ करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश करके निकालेंगे चीज़ें, और फ्रंट शॉक्स भी और रियर शॉक भी दोनों को ना काम करने वाला है। काम बहुत है इसमें, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करेंगे खुद ही, क्योंकि बाहर से हमने करवा के देख ली है। वटा टीका फॉर यू, जानवरों को जानवरों वाला टीका लगा रहे इसको। It's gonna be a long night. Yeah.